डॉक्टर अनिता त्रिपाठी है और बनारस में रहना है। प्रतापगढ़ में शादी हुई डॉक्टर शिव प्रकाश त्रिपाठी, यही भूख अनिता के आचार्य थे। 88 में मेरी शादी हुई, 96 में उनकी डेथ। क्वालिफिकेशन मेरी अच्छी थी, हम सर्विस कर सकते थे, लेकिन मेरी एक बेटी, मेरा एक बेटा बहुत छोटे थे तो मैंने नौकरी ली थी। और फिर ये पैतृक परंपरा को निभाने का एक संकल्प किया जिसमें आज तक चल रहा है, अच्छा है, मुझे सम्मान मिल रहा है। पर हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी एक परंपरा में ये आपके पास एक भृगु संहिता के पत्र कैसे आए और इसका क्या है इतिहास बताए। मेरे ससुर के जो फादर थे वो उनकी एक स्टेप मदर। क्या नाम था उनका ससुर? देवी प्रसाद त्रिपाठी। आपका घराना त्रिपाठी घराना? त्रिपाठी घराना। अच्छा, तो त्रिपाठी जी की स्टेप मदर थी। हाँ। तो उनको ससुराल में मतलब स्टेप मदर उनको बहुत तकलीफ देती थी। तो देवी प्रसाद जी की एक बहन वर्मा में रहती, तो वो उन्हें अपने भाई को वहाँ ले गए वर्मा। उनको संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था हमारे ससुर के फादर को, तो उन्होंने एक बुढ़िया के घर पे वो रहने लगे। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटे संस्कृत पढ़ते थे, तो वो उनका पुस्तक उठाए, उनकी पुस्तक पढ़ने लगे। तो बोले बेटा हमारे लिए इस ग्रंथ का कोई उपयोग नहीं, उस बुढ़िया के पास वो ग्रंथ था और उन्होंने दिया मुझे, इस ग्रंथ का कोई उपयोग नहीं है। उसके बाद वो प्रतापगढ़ आए। प्रतापगढ़ बाद मेरे ससुर के फादर ने, फिर मेरे ससुर ने, फिर मेरे हस्बैंड ने, फिर मेरे तीसरी चौथी। अब आप थोड़ा हमें विस्तार से बताएं ये भृगु संहिता का किस तरह से होती है, कुछ परिचय होते हैं या भृगु पर होता है या ऐसे बुक के हिसाब से? नहीं, बुक के हिसाब से नहीं है। भृगु संहिता में डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम इतना ही जरूरत होती है, क्योंकि इष्ट का 4 मिनट में प्राण पर चेंज हो जाता है। उसी 4 मिनट में मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंगे सभी पैदा होते हैं। तो 4 मिनट में जो प्राणपद होता है उससे ये निकाला जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति का समय है या नहीं है। तो जब ये समझ में आ गया कि मनुष्य की उत्पत्ति का समय है, हम लोग को जो समय मिलता है उससे हम ये जान लेते हैं कि ये किसी जानवर की उत्पत्ति का समय है या किसी मनुष्य की उत्पत्ति का समय है। तो मनुष्य की उत्पत्ति का समय है तो उसमें जो इष्टकाल होता है 4 मिनट में प्राण पद चेंज करने पर, सूर्योदय से लेके जब व्यक्ति पैदा हुआ, पैदा होने से सूर्योदय के बीच का जो टाइम होता है उसका 2.5 गुना इष्टकाल निकालते हैं प्राण पद से। जब इष्टकाल निकल जाता है तो उसी से पत्रांग में हमारे बुजुर्गों द्वारा जो डिटेल किया हुआ संहिता उससे पत्रांग में मिलान करते हैं। मिलाने के बाद वही हम लोग पढ़ लेते हैं संस्कृत में लिखा हुआ। यानी कि थोड़े से अलग शब्दों में ये कहा जाए कि आपके पास जो भी परिचय है, समझ लो कि वो एक हजार है। हाँ, कहने के लिए। हाँ, तो वो जो है उसका इंडेक्सिंग आपने करके रखा हुआ। हाँ, और ये इंडेक्सिंग अभी आपने जो इच्छा क्या कौन सा वो वे बताइए, इष्टकाल। हाँ, तो इष्टकाल या प्राण पत्र से जो एक इंडिकेटर होगा जो निकलेगा वो आप उस इंडेक्स से या इस इंडेक्स से आप निकालेंगे। हाँ, ये होते समय जैसे समझ लीजिए कि हम दोनों ने आपके पास हमारे जन्मकाल तिथि और जगह वगैरह बताई, तो उसके बाद आप हमें ये अभी तो नहीं होगा लेकिन उसके लिए कितना टाइम लगता है? उसके लिए हमको टाइम तो कायदे से 4-5 दिन का लग जाता है। अच्छा। लेकिन क्योंकि मेरे पास काम ज्यादा रहता है तो 15-20 दिन का टाइम लेते हैं। अच्छा। क्या कभी कभी नाम भी आता है? हाँ। नहीं, नाम नहीं आता। देखिए ऐसा है कि नाम नहीं आता और ये लोगों ने भी संहिता को एक ये कह के कि उसमें नाम आता है, यक्षिणी और कर्ण पिशाचिनी जो लोग सिद्ध किए होते हैं वो आपके मन की बात को जान लेते हैं। तो वो आपका नाम जान लिए, आपके पापा का नाम जान लिए, आपकी मम्मी का नाम जान लिए, उसको भृगु संहिता से ऐड कर दिया। भृगु संहिता के किसी के नाम से कुछ लेना देना नहीं है। आज नाम टिंकू पिंकू चिंकू रखता है, पहले ये सब नाम होता नहीं था कि किसी का नाम है। भृगु संहिता में कोई नाम नहीं है। एक्यूरेट आपका जन्मफल की गारंटी है, आपका जन्मफल कब क्या होना है कैसे होना वो एक्यूरेट होगा नाम। आपके पास अभी तक जो बहुत सारे लोग आए होंगे उसमें आपको ऐसे लगता है कि हाँ ये जो फल था वो एक एक्सेप्शनल था, व्यक्ति एक्सेप्शनल हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये फल था और बाद में ये फलित भी ऐसे हुआ, ये कुछ
उदाहरण आप बता सकते हैं? हाँ, बहुत बार होता है कि अब जैसे किसी ने मुझे गलत टाइम दिया, किसी ने मेरी परीक्षा ली गलत टाइम दिया, तो जाहिर सी बात है कि उसका गलत ही निकलेगा। लेकिन कभी कभी होता है जैसे किसी का शादी को 18 साल हो गया, अभी अभी की बात है, 18 साल शादी को हो गया, संतान नहीं थी, रुक्षणिता से कुंडली निकली और उसमें एक यज्ञ अनुष्ठान आया, अनुष्ठान पर 18 साल बाद दो पुत्र हो गए, वो लोग खुश हैं, इंजीनियर हैं, दिल्ली में हैं। तो उससे जो खुशी होती है, जैसे व्यक्ति परीक्षा देने के बाद पास हो जाता है, वैसे ही जब हम लोग रुक्षणिता का फलादेश कर लेते हैं और वो व्यक्ति पे बिल्कुल एकदम सटीक बैठ जाता है, तो मुझे लगता है हम परीक्षा पास हो गए। बहुत बार ये कहा जाता है कि बहुत सारे पॉलिटिशियन और ये वो चोरी छुपे आपके या भृगु संहिता सुनने के लिए आते हैं, क्या ये सच है? हाँ, आते हैं। तो अब हम पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं तो मेरा मन होता है कि वो चोरी छुपे आए। इसलिए क्योंकि देखिए हम पब्लिक प्लेस पे बैठे, मेरा सबसे परिचय है और हम अकेली महिला इसी समाज के भरोसे ही तो जी रहे, और एक आदमी से दुश्मनी और एक आदमी से अच्छा करके मैं जी नहीं सकती, जीतना एक ही को है। और दूसरी चीज, मान लीजिए किसी का एक ग्रह गड़बड़ से वो जीत रहा है तो उसकी ग्रह शांति भी करा देते हैं, लेकिन तो फिर अगला ये सोचेगा ना कि हालांकि पूजा पाठ करने से नहीं जीत जा सकती भाई, हम तो एक मार्गदर्शक है, इतना सा गड़बड़ हो रहा है, यही सही करा दीजिए, सही हो जाए, बस इतना है। अगर उसको जीतना है तभी हम पूजा कराते हैं ना, लेकिन सामने वाले को दूसरा अगर दूसरी पार्टी तो ये समझती कि इन्होंने नुकसान करा दिया तो वो जीत गया। तो ऐसी स्थिति में इसी समाज में रहना है तो किसी समाज को दुश्मन बना के और एक महिला के लिए बहुत मुश्किल है। आपके लिए तो बस ऐसे ही है। अच्छा, ये अब मैं थोड़ा सा प्रश्न को और बदलता हूँ, क्या भृगु संहिता में ऐसे व्यक्तित्व जो बड़े बड़े जैसे देश के पंतप्रधान हो या राष्ट्रपति हो, संत हो, जरूरी नहीं कि वो जिससे पॉलिटिशियन हो, ऐसे बड़े बड़े जो व्यक्ति है उनके संदर्भ में भृगु संहिता में आपके यहाँ कोई आदेश, संदेश या उनके बारे में कुछ कथन आया? हाँ, आता है, तो सबके विषय में आता है, सबका एक अलग अपना पत्र होता है और सब में आता है। जैसे हम अभी कोई एक उदाहरण तौर पे बता सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी समझ लीजिए, क्योंकि ये इधर बनारस और ये आस पास के जितने, तो उनके संदर्भ में उनके वो खुद आए होंगे नहीं होंगे उसका पता नहीं, लेकिन उनके संदर्भ में कोई भृगु संहिता का कुछ फल आपके पिताजी के संदर्भ में समय में आ रहे होंगे, तो वो कोई चर्चा या कोई बात ऐसे चर्चा हमारे आने के लगभग 20 साल पहले वहां से उसकी डेथ हो चुकी थी, तो मेरे हस्बैंड ही थे और ऐसे कोई ज्यादा रहते हैं। चलो छोड़ दीजिए इनको, उसके बाद जो आई इंदिरा गांधी की कुंडली बनाई थी हमारे हस्बैंड ने। अच्छा, तो उनमें ऐसे कोई हाईलाइट्स थे कि जो बाद में सच हुए ऐसे? हाँ, उनको गोली लगने की बात तो थी, राजीव गांधी की कुंडली बनाई थी उन्होंने, तो कुंडली बनाई थी यानी वो उनकी तरफ से कोई आया था और फिर बताया कि भाई हमें देखना है ऐसे, यानी ये जो आपकी का भूगोल है वो वहाँ उनके पास उनके तक गया ऐसे चाहिए ना? आपने वो बनाई और वो जो वो आपके अपने बनाई, तो जब वो आया कोई तभी तो लेके गया ना हमें बनाई, का मतलब ये अब यहाँ पे अभी मान लीजिए कि मोदी प्रधानमंत्री होगा तो हम जबरदस्ती थोड़े उनकी कुंडली बनाते हैं, कोई आएगा तब बनाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं बनाएंगे हम, मतलब हम ऐसा नहीं है कि पेपर में निकलवा दिया कि उनको जीतना उनको हारना, अरे भाई किसी को जरूरत होगी मेरे पास आएगा तो बताएंगे। अच्छा, यानी कि जब कोई पूछने आता है तो फिर आप जब आपने जो सिस्टम बताई कि ऐसे निकालेंगे और क्रिस्टल उस टाइम से आप अपना वो निकालेंगे, ऐसे आपने अलग अलग लोगों के लिए किया हुआ है। अभी के संदर्भ में जैसे मुलायम सिंह जी है या और भी लोग हैं उनके संदर्भ में, वो कोई आपके लालू जी है जो इधर के आसपास के एरिया के, तो उन्होंने भृगु संहिता देखी है? ऐसे में प्राइवेट मेरे पास नहीं आया, वो मेरे पास कोई नहीं आया, मेरे पास राजकुमारी रत्ना जी आई थी, राजकुमारी रत्ना कांग्रेस की जो अभी। अच्छा, यही बाकी सही तो ये है कि जो दूर रहते हैं उनको भिक्षुता के विषय में जानने की जिज्ञासा होती है, और जो पास है कभी कभी ऐसा भी होता है कि बस वो ये समझते हैं कि एक सामान्य पंडित जी का कथन है, तो घर
जाके पंडित लोग घर जाके ही बता दिए कि आपका ये ग्रह खराब। आज पहले जैसे राजा के दरबार में चाटुकार होते थे चारण, वैसे ही आजकल पंडित हो गया। तो आपके घर पे जाके आपकी सारी तारीफें गिन गिन करके बता देगा। तो बुरी बात सुनने की किसी को आदत ही नहीं है, बुरा सुनने की आदत भी नहीं है। तो बहुत कहेंगे जान लेने के बाद कुछ दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए जब घर में जाके पंडित बता देगा तो क्या करने के लिए यहाँ आएंगे। अच्छा, मैं ये पता करना चाहता था आपसे कि ये जो आपकी सिस्टम है, समझ लो कि हम आपके पास पहले एक महीने के पहले आए थे और हमने आपको वो दे दिया था और एक पल आपने निकाला, तो हमारा तो खैर नहीं है निकाला है। ऐसे कोई जो सैंपल के तौर पर आपको भ्रगु जी का कोई फल या जो पर्चा आ जाए, क्या आप हमें देखने को मिल